आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। मौजूदा समय में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग के लक्षणों की जानकारी नहीं होने के कारण कई मरीज उपचार से दूर हैं। एक निजी अस्पताल के न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन द्विवेदी ने बताया कि लोग इसके लक्षणों को अनदेखा कर रहे हैं। समाज में इसको लेकर कई गलत अवधारणाएं भी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 66% ट्यूमर कैंसर के नहीं होते। हमारे समाज में ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर कई सारी गलत अवधारणाएं फैली हुई है। जैसे कि अगर आपने इलाज कराया तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा, उसका बचना बहुत मुश्किल है, उस इलाज संभव ही नहीं है। इलाज जो है वो बीमारी की तुलना में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। इन सब अवधारणाओं के चलते हुए को मरीज इलाज करवाने से और विशेषकर ऑपरेशन करवाने से काफ़ी डरते हैं। यही कारण है कि इस वर्ष जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है उसकी थीम रखी गई है यूनाइटिंग फियर फॉर होप एम्पावरिंग द ब्रेन ट्यूमर पेशेंट, अर्थात किसी एक अच्छी आशा के लिए हम सबको एक होना है, ताकि जो ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं उनको मिलकर हम संबल प्रदान कर सकें, शक्ति दे सकें, और ये शक्ति है इलाज करवाने की। लक्षण बहुत ही सामान्य, जैसे सिर दर्द जो लगातार रहता है या कभी कभी होता है, विशेष करके सुबह के समय होने वाला सिर दर्द हमारे लिए खतरनाक माना जाता है। दूसरे लक्षण है हाथ पैर में सुन्नपन, कमजोरी, आवाज़ में परिवर्तन, नज़र में अचानक से परिवर्तन, दौरे आना, अचानक से हाथ पैर सुन्न पड़ जाना या अचानक से कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो जाना, लड़खड़ाना, इस तरह के कई सिम्टम्स हैं जो बहुत ही सामान्य माने जाते हैं, मगर ऐसा कोई भी लक्षण ब्रेन ट्यूमर का भी लक्षण हो सकता है।